मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई दे विच पंजाब दे विच वधिया पॉलिसी जिहड़ी उह बण के आवेगी। मुख्यमंत्री साहब बड़े सिंसीयर ने, वैसे तो जिहड़ियां रिश्तियां वा उह तकरीबन रैगूलर हो रही, जिथे किते कोई रोक लाई आ पिछली सरकार ने कांग्रेस गौरमेंट ने, वह भी मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी चंगी पॉलिसी लैके आउणगे जिहदे नाल लोकां नूं खज्जल खुआरी का सामना ना करना पवे। मान सरकार लोकां दी सरकार आ, ते जो लोग कहणगे लोकां दे अनुसार ही फैसले ले जांदे आ। इह पहली सरकार आ जिन्हें पहला बजट लोगों दियां रायां दे मुताबक लोगों तो पुछया गया कि किवें दा बजट चाहिए, लोगों जो कहा उहदे मुताबक बजट बनाया। तो अज भी लोग जो कहिंदे आ आम आदमी पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान वह करते आ। देखिए जितने भी चाहे पनबस के कर्मचारी हैं जां PRTC के कर्मचारी ने, यह सारे साडे परिवारां दी तरह ने, साडे भैण भरा ने, जिहड़ियां ते इन्हां दियां जैनुअन मंगां उह पूरियां कीतियां जाणगियां। ते जे आपां देखो जिहड़ी आ रैगूलर करन दी पॉलिसी आ जिहदे च 12,700 अध्यापक रैगूलर कीते आ, जे ते उस पॉलिसी दे अधीन जिवें 10 साल तो कॉन्ट्रैक्ट ते ने उहदे विच अडहाक ते ने डेली बेस ते ने, जो सरकार दी पॉलिसी उहदे विच आउंदे आ, भावें उह ड्राइवर होवे कंडक्टर होवे कोई भी मुलाजम, उह रैगूलर कीते जाणगे। ते जे आपां जाण बुझ के जिहड़ियां मंगां पूरियां नहीं हो सकदियां, मन्नियां नहीं जा सकदियां, जे आपां उह मंगां रख के जाण बुझ के हड़ताल करदे आ, ते साडे ड्राइवर ते कंडक्टर वीरां लई वी एवें हरासमेंट करन वाली गलत गल आ। ते जिहड़ियां जैनुअन मंगां उह ते मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान खुद कह रहे आ कि जिहड़ियां जैनुअन मंगां उह जल्द तों जल्द पूरियां कीतियां जाण। देखो जदों की दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनी आ, श्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, उदों तो ही सेंटर की BJP सरकार नरेंद्र मोदी अमित शाह जी धक्के ते धक्का करते आ रहे, कभी LG राही धक्का, कभी आ जिहड़े कानून बना के जा बिल जिहड़े पास करते उन्हां राही धक्का। पर देखो लोग बड़े समझदार आ, सियाणे आ, उस तरह ही जिवें उत्थे धक्का करदे रहे, जदों जदों कोई हत्थ चुकदा उहदा अंत नेड़े हुंदा। जे पहलां दिल्ली दे विच धक्का कीता तां उत्थे वार वार सरकार रिपीट होई आ, उहदे बाद जे पंजाब दे विच वी BJP सरकार ने कोशिश कीती कि शायद 2022 च जां अगे गल बन जूगी, ते लोक बड़े सियाणे आ पंजाब दे, पंजाब दे लोकां ने वेखो फतवा दित्ता, 92 MLA जिता के आम आदमी पार्टी दे मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी नूं जिताया। ते उस तरह ही 2024 दे विच लोक करारा जवाब देणगे नरेंद्र मोदी नूं, BJP सरकार नूं, इन्हां दे जिहड़े BJP दे उम्मीदवार होणगे इन्हां दीआं जमानतां जब्त होणगीआं। लोक इस बार BJP सरकार नूं चलदा करन लई तैयार ने। BJP सरकार ते अमित शाह नरेंद्र मोदी जी दी ते इह सोच आ कि जिथे साडी सरकार आ उत्थे सारीआं सहूलतां दो, ते जिथे गैर BJP सरकार आ उत्थे जिहड़े उहनां दे हक बणदे आ पंजाब दे जां दिल्ली दे जां होर वी कोई हिमाचल आ जिवें स्टेट जां होर स्टेटां ने, उहनां दे हक जिहड़े आ उहनां तों खोह लए जाण, उह बंद कर दित्ते जाण। ते इह सोचदे आ कि शायद जे इस तरह करांगे शायद पूरे भारत दे विच साडी सरकार बन जूगी, पर इह गलत सोच रहे आ, समझ रहे आ। जदों जदों कोई धक्का करदा, जदों जदों कोई हत्थ चुकदा उहदा अंत छेती हो जांदा। लोकां दी सरकार आ, लोकां दीआं वोटां नाल बणनी हुंदी आ, जिवें पंजाब ते दिल्ली च लोकां ने फतवा दित्ता, इस तरह दूजियां स्टेटां दे विच वी आम आदमी पार्टी जिथों जिथों चोणां लड़ूगी आम आदमी पार्टी दे हक च लोक फतवा देणगे, ते BJP दे उम्मीदवार पूरे भारत दे विच जिथे जिथे खड़नगे लोक इहनां दीआं जमानतां जब्त कराउणगे। देखो ये तो पहले ही चाहिए, पहलियां सरकारां नूं भी चाहिए है कि जिहड़े शमशान घाट आ, भावें SC भाईचारा, BC भाईचारा, भावें कि हिंदू आ, भावें कोई सिख आ, इको ही शमशान घाट चाहिए सानूं, आपस दे विच भाईचारक सांझ पाउणी चाहिए आ। पंजाब सरकार वल्लों इहो कोशिश आ, शायद जल्दी ही शुरू एक अद्धे दिन च ही करन जा रहे हैं कि इको शमशान घाट वास्ते असीं जिहड़ा फंड रिलीज़ करिए, तां जो जिहड़ियां लोकां दे विच दरारां पईआं जां लोकां दे विच फिरकाप्रस्ती इन्हां रवायती पार्टियां ने पाई आ उह खत्म होवे, ते लोकां दे विच भाईचारक सांझ पैदा होवे। वेखो खून जदों कितें अपने सट लगदी आ, खून अपने चों लाल रंग दा निकलदा, ते जदों कोई कितें रब ना करे कोई बीमार हुंदा जां कोई एक्सीडेंट हुंदा, ते जे खून दी लोड़ होवे ते आपां इह नहीं पुछदे कि इह किसे हिंदू दा, सिख दा, मुस्लिम दा जां SC BC दा खून है। उदों जदों लोड़ हुंदी आ उदों भावें जिड्डे मर्जी वड्डे रैंक ते कोई बैठा होवे, जिड्डा मर्जी वड्डा कुर्सी ते विराजमान अहुदे ते होवे, ते जदों खून दी लोड़ होवे उदों भावें SC दा मिल जाए, BC दा मिल जाए, हिंदू दा मिल जाए, मुस्लिम दा मिल जाए, सिख दा खून मिल जाए, उदों आपां नूं इह हुंदा वी अपनी जान बचाई जा सके, ते सानूं आपस दे विच भाईचारक सांझां पिंडां दे विच कायम करनियां चाहीदियां, इक दूजे नाल सद्भावना प्रेम भावना नाल रहना चाहीदा। देखो आम आदमी पार्टी दा
ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਕੋਈ 19-21 ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। देखो पिछलियां सरकारां च बड़े धक्केशाहियां होईयां, गलत कानून बने, बड़ा कुछ किया गया। मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई दे विच पंजाब दे विच वधिया पॉलिसी जिहड़ी उह बण के आवेगी। मुख्यमंत्री साहब बड़े सिंसीयर ने, वैसे तो जिहड़ियां रिश्तियां वा उह तकरीबन रैगूलर हो रही, जिथे किते कोई रोक लाई आ पिछली सरकार ने कांग्रेस गौरमेंट ने, वह भी मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी चंगी पॉलिसी लैके आउणगे जिहदे नाल लोकां नूं खज्जल खुआरी का सामना ना करना पवे। मान सरकार लोकां दी सरकार आ, तो जो लोग कहेंगे लोगों के अनुसार ही फैसले ले जाते हैं। ये पहली सरकार है जिन्हें पहला बजट लोगों दी राय के मुताबिक लोगों तो पूछा गया कि किवें दा बजट चाहिए, लोगों जो क्या उसके मुताबिक बजट बनाया। तो अज भी लोग जो कहेंगे आम आदमी पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान वो करते हैं। तुम खुद वेख्या आ पिछले दिनों के हाड़ आए पंजाब के, नुकसान तो बड़ा होया, पर पहला मुख्यमंत्री है जिहड़ा हाड़ वाले इलाकों के नंगे पैरी लोगों के बीच गया, लोगों के दुख दर्द सुने, लोगों के मसले हल किए, लोगों को जो जरूरत सन रोज़ रोज़ के जो घर के घरेलू वस्तु आप वरतते हैं वो लोगों की जरूरत पूरिया कीतियां। सारे मंत्री, सारे MLA हलका इंचार्ज तो सारा प्रशासन, भावें पुलिस प्रशासन, सिविल प्रशासन, जदों मुख्यमंत्री साहब आप खुद लोगों के रहे तो सारा प्रशासन भी लोगों के रहा। देखो जदों ज़्यादा मीह पै जाता उदों अपनी भी बवास हो जाती है, उत्थे आके ना तो किसी व्यक्ति का कोई दोष हुंदा ना किसी सरकार का। जदों बारिश ही ज़्यादा होगी, बरसात ज़्यादा होगी, तो मीह 3-3.5 लाख क्यूसिक पानी आ गया मीह पैण कारण, तो जिहड़े बन्न टुटे उन्हां बन्नां नूं छेती तो छेती, क्योंकि सरकार अवेयर थी, मुख्यमंत्री साहब सारे काम ते आप निगाह रख के बैठे सन, तो वह बन्न जिहड़े छेती तो छेती बन्न लगे, जिहदा करके जिहड़े जानी नुकसान बहुत घट होया। पर फिर भी जे किते जानी नुकसान होया, असीं परिवारां दे नाल हमदर्दी जाहर करदे आ, परिवारां दे नाल आ। बाकी पंजाब दे विच जिहड़ा कोई किसी का नुकसान होया, जमीन का जां फसल का नुकसान होया, वो स्पैशल गिरदावरी जी चल रही है मुख्यमंत्री साहब के आदेशों से। तो मुख्यमंत्री साहब ने आप ऐलान किया सरदार भगवंत सिंह मान ने जी, एक एक रुपया जिहदा भी कोई भी नुकसान होया एक एक रुपया किसानों के खाते पाया जाएगा। देखो ये तो दस सकते हैं मुख्यमंत्री साहब भी कदों तक पॉलिसी बन के तैयार, पर मुख्यमंत्री साहब जल्द, देखो मुख्यमंत्री साहब जल्द ही वो पॉलिसी लैके आने, वो देखो कानूनी अड़चना कई रहा पैदियां उदा करके मुख्यमंत्री साहब ये चाहते हैं कि कोई कानूनी अड़चन ना पवे, जिवें हुण पिछे भर्तियां ही कीतियां पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनते, सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके फिर भर्तियां कीतियां, तो कोई अड़चन नहीं पई, कोई हाईकोर्ट रेत नहीं पई। तो हुण जिवें अध्यापक रैगूलर किए 12,700 के करीब, वह भी जिहड़ी कानूनी जो प्रक्रिया है वो पूरी करके भावें 1.5 साल लग गया, कानूनी प्रक्रिया बना के उन्होंने रैगूलर किया। तो जे फिर कोई हाईकोर्ट की रिट पै जाती, रिक्का पै जाता, तो वह गल उत्थे दा उत्थे रहना, परनाला ज्यों दा त्यों रहना ही। तो इस करके लोगों की सरकार आ, मान साहब जो करे लोगों अनुसार करे, कानून अनुसार करे, कानून कभी भी गलत तौर पर नहीं बचा जाएगा।